मंदिर या फिर रोजगार, देश का मुद्दा क्या है? आज भी देख रहा था अयोध्या से चुनाव, अयोध्या से चुनाव, योगी जी लड़ेंगे चुनाव। एक ने तो बिल्कुल बाबा शरणम गच्छामी हो गया मामला, एक का तो बाबा शरणम गच्छामी। ठीक है, अब मैं समझ गया कि यूपी का चुनाव का एजेंडा क्या होगा। आप लोग नैरेटिव पे चुनाव लड़ते हैं, नैरेटिव। अब मुझे समझ में आ गया कि यूपी चुनाव का एजेंडा क्या होगा। बेरोजगारी तो एजेंडा होगा नहीं, जनता को बेरोजगारी महंगाई कोई मुद्दा ही रहेगा नहीं। लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा हूं, और इस सवाल को मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूं कि मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं सुरेश जी। मेरी चिंता जो है वो आंकड़े ये है कि बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश में 100 लोगों में से 68 के पास रोजगार नहीं, काम नहीं। 32 के पास है लेकिन 68 के पास नहीं। यूपी में हालात यह है कि 100 में से सिर्फ 32 लोगों के पास रोजगार बचता है, और ये 100 लोग वो हैं जो काम करना चाहते हैं, जिनकी चाहत है। उनमें से आपको बता रहा हूं, वो तो दूसरे वाले तो भूल ही जाइए। क्या ये मुद्दा बनना चाहिए देश में या नहीं, या फिर अयोध्या में योगी जी चुनाव लड़ेंगे वो मुद्दा? ये मुद्दा तो हमेशा होता ही है रोजगार की डिलीवरी का, और इसीलिए हम अपने कॉलर ऊपर करके कहते हैं कि 4.5 लाख तो हमने नौकरियां दी हैं, और उसके अलावा लगभग 70 से 75 लाख युवाओं को नौकरियां मिली हैं, जिनको आपने पकड़ पकड़ के रोजगार दिया। तो फिर वो कौन है जो लखनऊ की सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं? वैसे 10% तो जेन्युइन भी होता है, 90% स्पेशली समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होता है, और जब एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम पड़ता है, ये जो लाठियां खा रहे हैं वो सपा वाले हैं, सारे सपा ही है, और अभी जनता भी लाठी मारने वाली है चुनाव में। 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 3.70% थी, दिसंबर में 2021 में बढ़कर 4.9% हो। कोरोना से पहले जनवरी से मार्च 2020 तक 15 से 29 साल के नौजवानों की बेरोजगारी दर 21.8% 15 से मैं 29 साल के नौजवानों की बात कर रहा हूं, तो एक साल में बढ़कर 23.2% हो गई। तो आपको लगता है कि जब योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो ये मुद्दा नहीं बनेगा? देखिए भाई साहब, बड़ी स्पष्ट बात कहता हूं कि 100% रोजगार हो गए ये बात भी गलत है। बेरोजगारी है और उससे भी हमको लड़ना है, अच्छी तरह से दो दो हाथ होना है, और उसके लिए सरकारें काम भी कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट दोनों अलग अलग बात। एम्प्लॉयमेंट रेट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, 2017 में 38.5%, 2022 में घटकर 32% हो गए। यानी कि रोजगार मिलना चाहिए था, रोजगार छिन गया। पहले 38% लोगों के पास रोजगार था, अब 32% के पास। सर प्लीज कंटिन्यू। देखिए इसमें दो चीजें हैं बड़ी, मैं खुल के बात बोल रहा हूं कि हमने तो सरकारी नौकरियां भी 4.5 लाख दे दी, उसके उपरांत भी अच्छा। अरे सर तिलक जी, ये झूठे आंकड़ा देना बंद कीजिए। ये तस्वीर मैं देख रहा था, मेरे जहन में एक सवाल आया, मेरे जहन में सवाल ये आया अरविंद कठेरिया साहब जी, कि भाई ठीक है कितनों को रोजगार दिया, कितनों को नहीं दिया, कितनों को जरूरत है कितनों को नहीं, कम से कम ये विदेश के बच्चों की तस्वीर मुस्कुराते हुए लगा दी आपने, उत्तर प्रदेश के बच्चों की तस्वीर लगा देते मुस्कुराते हुए। आपको नहीं लगता कि कम से कम यहाँ रोजगार मिल जाता उन्हें, मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा के कोई दिक्कत थोड़ी ना है? वो मुस्कुराते हुए तो हमारे यूपी के बच्चे भी अच्छे लगेंगे सर, भले ही बेरोजगार हो तो क्या हुआ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो वेबसाइट जिसने भी बनाई होगी और जिसने भी ग्राफिक्स बनाए होंगे, कोई अति उत्साहित कार्यकर्ता होगा सरकार का, सरकार का उत्साहित अधिकारी ने कुछ ना कुछ कर दिया होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो कोई सरकार ने भी नहीं, या पार्टी के किसी पदाधिकारी ने, या योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं बनाया है, वो किसी अति उत्साहित कर्मचारी ने बना दिया होगा। उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी समझ रहा है, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो रोजगार चाहने वालों की कुल आबादी 14% है, यानी कि 2.12 करोड़ के आसपास, और यह बढ़कर 17.07 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। क्या अब भी आप भगवान भरोसे ही सत्ता हासिल करना चाहेंगे? प्लीज कंटिन्यू। देखिए नौकरी दो तरह की होती है,
एक होती है किसी के ऑफिस में नौकरी करना, एक होती है सरकार के ऑफिस में नौकरी करना, और एक होती है खुद का अपना व्यापार चलाना और अपना खुद का धंधा करना। तो जो ये जो आंकड़े हैं ना, अपने धंधा करने वाले को श्रेणी में नहीं रखते। अब कोई व्यक्ति मध्यम वर्गीय अच्छा। दुकान चला रहा है, वो भी अपने आप को कह रहा है कि मुझे भी सरकारी नौकरी चाहिए। तो ये पकोड़ा बेचने वाले हैं जी? जी जी जी। राम मंदिर का मुद्दा उठेगा तो आपको लगता है कि, अयोध्या का मुद्दा उठेगा तो आपको लगता है कि वो बेरोजगारी का मुद्दा गौण हो जाएगा? हमने ऐसा कोई मुद्दा उठाया भी नहीं। जो वहां मंदिर का विकास का कार्य हो रहा है वो प्रगति पर है, वो दुनिया देख रही है, जो चाहे वो देखेगा। नहीं, बेरोजगारी तो, का मुद्दा बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? बेरोजगारी और रोजगार ये ऐसी चीज होती है जो हमेशा मुद्दा होती है और होनी भी चाहिए। कहां और होती हमारी है? उत्तर प्रदेश जिस चुनाव बेरोजगारी पर होते हैं कोई? अब भी आपको यकीन है कि राम के नाम पर वोट मिलेगा? हमको अपने काम पर भी यकीन है, हमको ईश्वर पर भी यकीन है। दिल्ली में बैठकर आप टिकट फाइनल कर रहे हैं, दिल्ली में बैठकर टिकट फाइनल कर रहे हैं, लेकिन ये टिकट फाइनल कर कैसे रहे हैं? क्योंकि आप ही को नहीं पता कि बीजेपी में बचेगा कौन, तो फिर टिकट कैसे फाइनल हो? देखिए तिलक भाई, एक बात याद रखिए, और आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी दुनिया देखी है, राजनीति समझी है। जब टिकटों के ऐलान होते हैं और जिन लोगों को पता नहीं रहता है या पता रहता है, जिनको स्पष्ट रूप से कि हमारा टिकट जाने वाला है, और उनकी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा भी होती है, लेकिन कर्म अच्छे नहीं होते, तो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वो पहले से इस्तीफा दे देते हैं कि भैया ऐसा हुआ भैया। अच्छा, इनके कर्म अच्छे नहीं थे, बीजेपी में रह के कर्म अच्छे नहीं थे।